Welcome to our channel of Little Master Public School for third standard. Our subject is computer. Today we will discuss about chapter number 1, our computer system. Okay, तो हम आज discuss करेंगे computer system के बारे में. Okay, so let's start. The computer system comprise of थ्री कॉम्पोनेंट. कंप्यूटर सिस्टम के तीन अंग है. कौन कौन से? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड लाइटवेयर, जिसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, अब फर्स्ट पॉइंट इज हार्डवेयर. द वर्ड हार्डवेयर रिफर्स टू ऑल दोज पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी टच, सी और फेल. यानी हार्डवेयर किसे कहा जाता है? तो वो पार्ट जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और फील कर सकते हैं. जैसे कि हमारे सारे इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर के सारे जो इनपुट डिवाइस है, जैसे कि माउस कीबोर्ड मॉनिटर, सीपीयू एक्सेट्रा. उसके अलावा भी सीपीयू के अंदर इनसाइड ऑफ सीपीयू दूसरे हार्डवेयर पार्ट भी होते जिसे हम देख तो नहीं सकते, बट जब हम सीपीयू को ओपन करते हैं तो वो हमको दिखाई देता है. एग्जाम्पल ऑफ मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क एंड साउंड कार्ड, ये एग्जाम्पल्स है हार्डवेयर के. ओके, अवर सेकेंड पॉइंट इज सॉफ्टवेयर. The programs that are fed into the computer to instruct it as to what to do and how to do are known as software. Software का मतलब एक ऐसा एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है, यानी आदेश देता है कि क्या करना है और कैसे करना है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स है लाइक एमएस पेंट, एमएस वर्ड, वर्ड पेंट एक्सेट्रा. ओके ओके स्टूडेंट, अवर थर्ड पॉइंट इज लाइटवेयर. द पीपल हु वर्क ऑन कंप्यूटर आर कॉल्ड लाइटवेयर. यानी जो लोग कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो उसे वो लाइटवेयर का एक एग्जाम्पल है. सो ये है लाइटवेयर की डेफिनेशन. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेमोरी ऑफ कंप्यूटर. वी हैव मेमोरी ड्यू टू विच वी रिमेम्बर मैनी थिंग्स या मैनी डेज. हमारे पास याददाश्त है जिससे हम बहुत सी है ना मेमोरीज हम याद रख सकते हैं बहुत दिनों के लिए, लाइक डेट्स, इवेंट्स लाइक बर्थडे, एनिवर्सरी एक्सेट्रा. तो कंप्यूटर की भी खुद की एक मेमोरी होती है. देर आर टू टाइप ऑफ मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड परमानेंट मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. हम फर्स्ट पढ़ेंगे टेम्पररी मेमोरी. टेम्पररी मेमोरी होता क्या है? तो जब हम कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, किसमें? रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में. तो वो तभी तक रहता है जब तक हम कंप्यूटर ऑन रखते हैं. जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है या किसी कारण से बंद हो जाता है तो वो मेमोरी अपने आप इरेज हो जाती है और उसका कोई भी स्टोरेज नहीं रहता है कंप्यूटर में. ओके, तो ये हुआ टेम्पररी मेमोरी, जिसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी ये टेम्पररी मेमोरी का एक एग्जांपल है. सेकेंड है परमानेंट मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. रीड रोम यानी रीड ओनली मेमोरी. तो परमानेंट मेमोरी में रोम का
इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट उसमें स्टोर करके रखते हैं तो वो हमेशा के लिए उसमें स्टोर होके रहता है। अगर कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए या स्विच ऑफ किसी कारण से कुछ भी हो जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंजेस नहीं आते और कुछ इरेज भी नहीं होता है। ओके, नाउ आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय दिस। ओके स्टूडेंट, इन अवर कंप्यूटर सिस्टम देयर आर आल्सो स्टोरेज डिवाइस विच इज रिमूवेबल एक्स्ट्रा डिवाइसेस। इन अवर स्टोरेज डिवाइस देयर आर थ्री टाइप ऑफ डिवाइसेस, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड हार्ड डिस्क। फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क में हम क्या कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क जो है एक तरह स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम छोटी छोटी कोई भी है ना छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो उसमें स्टोर करके हम वन प्लेस से अनदर प्लेस भेज सकते हैं या ले जा सकते हैं। ओके, अवर सेकेंड पॉइंट इज कॉम्पैक्ट डिवाइस। कॉम्पैक्ट डिवाइस का शॉर्ट फॉर्म है सीडी। सीडी नाम सुन के तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि ये क्या है। तो सीडी में आपको जहां तक पता है तो उसमें हम फिल्म या कोई है ना सॉन्ग या फिर कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेजेंटेशन इसमें स्टोर करके फ्लॉपी डिस्क की तरह ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जा सकते हैं, रिमूव करके लेके जा सकते हैं कंप्यूटर में से। ओके, थर्ड हार्ड डिस्क। ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है बट ये रिमूवेबल नहीं है क्योंकि ये सीपीयू के इनसाइड यानी अंदर ही होता है। इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन स्टोर करके इसके अंदर रख सकते हैं। ओके, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर अवर कंप्यूटर सिस्टम। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, ये आपके चैप्टर नंबर 1 अवर कंप्यूटर सिस्टम का वर्कशीट है जो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। ओके, तो ये वर्कशीट आपको घर पे कंप्लीट करनी है अपनी नोटबुक में। ओके ओके स्टूडेंट, इट्स ऑल फॉर टुडे। बाय, हैव अ नाइस डे।